A very good morning, everyone. Today in SST we are going to read about chapter 13, and that is heading it is industries. Industries kya hoti hai? Industries kya hoti hai? Industries wo place hoti hai. Industries are the place where we convert raw material into finished goods. Means jo raw material jo hume natural resources se mila hai usko we convert process karte hain aur convert karte hain into new प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स दैट इज ऑफ यूज, जो हमारे काम आता है. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीनरी. ठीक है, मैन और मशीनरी की हेल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता. सो व्हाट इज दिस सी, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन अबव? इसमें क्या है पिक्चर में? वी कैन सी फील्ड ऑफ शुगर केन. शुगर केन का फील्ड है, खेत है. एंड दिस इज इन दिस पिक्चर वी सी शुगर. ओके, सो sugar cane and sugar. First question is, what do you see in the picture given above? Fields of sugar cane. And where do you think sugar was made? अब आपको क्या लगता है, ये sugar क्या यहाँ field में ही खड़े खड़े sugar cane से sugar बन गई? नहीं ना, इनको sugar cane को ले जाया गया to factories. Okay, we need labor ताकि हम इनको factories में लेकर जाएं. Then in those factories we need machinery for cleaning and for abstracting juices from these sugar canes, right? We extract juices and then we boil these juices on a particular temperature in big boilers. Okay, then it got crystallized, caramelized, and after cleaning with sulfur we got sugar. So there's a whole long process that is followed in the factories to make finished goods with the help of raw material. Okay, और जहाँ पर ये सब होता है that place is known as industry. और अलग अलग industries होती हैं, जहाँ food items होते हैं उसे food industries कह देते हैं, जहाँ cloth बनता है. जैसे अगर ये cotton के field होते तो same way cotton को clean किया जाता, फिर उसको yarn किया, फिर उसको क्या क्लीन किया जाता, फिर लूम से उसमें यॉन बनाया जाता लूम की हेल्प से, और फिर थ्रेड बनता एंड देन आफ्टर दैट क्लोथ बनता. तो वहाँ भी वही सेम प्रोसेस होता और वो सब भी कहाँ, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में ही होता. तो क्लोथ से रिलेटेड सारी फैक्ट्रीज को क्लोथ इंडस्ट्रीज के अंडर कर देते हैं, एडिबल थिंग्स को फूड इंडस्ट्रीज के अंडर कर देते हैं. ठीक है, जहाँ ट्रांसपोर्ट का सामान बनता है उसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज कह देते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज कह देते हैं, राइट. तो अब वेयर डू यू शुगर वॉज मेड? फील्ड में तो नहीं बना ना, कहाँ बना? वॉज मेड इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज. यू कैन राइट इंडस्ट्रीज एज. क्लियर? सो वी नीड रॉ मटीरियल टू मेक फिनिश गुड. और फिनिश गुड क्या होता है? दैट वी यूज इन आर डे टू डे लाइफ. वी हैव रेड अबाउट दिस इन आर मिनरल चैप्टर एज वेल, दैट मिनरल्स दोज आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी यूज देम टू मेक न्यू प्रोडक्ट लाइक हेलीकॉप्टर, buses, planes and many more things of our daily life like car, refrigerator, all these things. So let's start this chapter. Do you know that many years ago many households didn't have refrigerators, did not have refrigerators, fan, cooking gas, television, washing machines or even computers. Now we find these in most houses, they all come from industry. कि तुम्हें पता है पहले वाकई नहीं थे, ना ही रेफ्रिजरेटर था, ना फैन, कुकिंग गैस, टेलीविजन, ये सब नहीं था. तुम्हें पता है ये सब इंडस्ट्रीज से आए. व्हाट इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या होती है? अब ये सब देखो, नेचुरल तो मिले नहीं, किसी ट्री पर तो उगे नहीं हुए थे कि हमने प्लग कर लिए कि हमें वो ट्री लेट मिला. नहीं ना, दीज आर मैन मेड थिंग्स. विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैन हैज मेड ऑल दीज थिंग्स इन इंडस्ट्रीज. क्लियर? सो इंडस्ट्रीज क्या होती है? प्लेस वेयर वी कन्वर्ट रॉ मटीरियल इन टू फिनिश गुड विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीनरी. ठीक है, मैन मटीरियल एंड मशीनरी यू कैन से. एंड टू रन दीज मशीनरीज वी यूज पावर एज वेल. ठीक है, तो ये क्या है? मैन मेड आइटम्स हैं. दीज आर नॉट नेचुरल आइटम्स बट मैन हैज मेड देम विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Clear? An industry is a place where raw materials are converted into finished goods with the help of people and machines. अब इंडस्ट्री क्या, कौन सी जगह होती है? अभी आई टोल्ड यू कि जहाँ पर रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड में विद द हेल्प ऑफ पीपल एंड मशीन, मैन एंड मशीन, लोगों और मशीन की हेल्प से फिनिश गुड में प्रिपेयर किया जाता है. नेचर हैज गिवन अस रिसोर्सेज, नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं.
सम रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली. अब कुछ रिसोर्सेज को तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कंज्यूम फ्रूट्स वेजिटेबल डायरेक्टली एज इट इज ट्री से प्लक किए, वॉश किया एंड ईट कर लिया. बट सम रिसोर्सेज हैव टू बी कन्वर्टेड इन टू फिनिश प्रोडक्ट्स बिफोर दे कैन बी यूज. पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमें पहले फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है यूज करने से पहले, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी गेट वूल फ्रॉम शिप, शिप से हमें वूल मिलती है. बट इट हैज टू बी प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज बिफोर वी निट स्वेटर. बट स्वेटर बनाने से पहले, निट मीन्स बुनना, बुनने से पहले वी हैव टू प्रोसेस करना पड़ता है इसको क्लीन अप. ये देखो, ये आपको शीप है, इससे हमने ये वूल शियरिंग की, ठीक है. ये शीप का जो हेयर था ऊपर, ये पोर्शन जो उसका, इसको हमने शेयर किया. इसके बाद ये एज इट इज, ये नहीं कि स्वेटर बनाने के लिए अवेलेबल. नो, प्रॉपर क्लीनिंग होती है फैक्ट्रीज में इसकी, फिर से यार्न बनता है, वूल बनती है, फिर उसके बाद स्वेटर की निटिंग होती है, ठीक है. ये हम मशीन्स की हेल्प से क्लीनिंग करते हैं, फिर इनको डाई भी किया जाता है. ये ऑफ वाइट और कितने कलरफुल वूल आते हैं. तो वो क्लीनिंग और डाइंग का जो काम होता है, दैट इज डन इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स अगेन एंड मैन पावर. इंडस्ट्रीज प्रोसेस रॉ मटीरियल्स. अब इंडस्ट्रीज रॉ मटीरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड किसकी किसकी हेल्प से बनाती है? मशीन्स एंड मैन पावर की हेल्प से. देखो, शीप की वूल शेयर किया, क्लीन किया और डाई किया उसको. डाई मीन्स कलर करना उसको. एंड देन वूलन स्वेटर मैन्युफैक्चर्ड अगेन, दिस वॉज निटेड इन फैक्ट्री, ठीक है. पहले था सब घर पर बनाते थे, आजकल आपने किसी को देखा? बिकॉज दीज आर अवेलेबल इन फैक्ट्री, दीज थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन फैक्ट्री, ओके. मटीरियल्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्रीज. अब क्या क्या मटीरियल होता है जो इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड? रॉ मटीरियल सबसे पहले. तो रॉ मटीरियल मीन्स किसी चीज को बनाने से, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज आई एम यूजिंग इट एज फिनिश्ड गुड, कि मेरे को इसका यूज है, कि ये पेंसिल की तरह यूज है. पर इसको बनाने के लिए क्या चाहिए था? कुछ भी, किसी भी चीज से पेंसिल नहीं बन सकती ना. लाइम से मैं पेंसिल नहीं बना सकती ना, वो चौक ही बनेगा लाइम से, राइट. और चीजें इसके लिए मुझे क्या वुड चाहिए? वुड चाहिए थी या नहीं? वुड बेस था इसका. उसके बाद ये ग्रेनाइट का लेड चाहिए था, राइट. ये दो चीजें चाहिए थी. उसके बाद ये पेंट भी इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ा बहुत, और इसको इस शेप में कट करने के लिए मुझे मशीन्स भी चाहिए थी. और वो मशीन्स कौन चलाएगा? ये शेप ठीक है या नहीं, ये कितना सही है, ये कौन देखेगा? मैन देखेंगे या लेबर देखेगा, राइट. तो ये सब चीज़ें मुझे चाहिए चाहिए. तो रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, जो कि बेस होता है कोई भी फिनिश गुड बनाने के लिए. अगर मैं कॉटन का क्लोथ बनाऊंगी तो रॉ मटेरियल वुड बी कॉटन. इफ आई विल गो फॉर दिस वूलन स्वेटर, देन रॉ मटेरियल वुड बी दिस वूल, ओके. इफ आई विल मेक कॉटन क्लोथ, रॉ मटेरियल वुड बी कॉटन. आई टोल्ड यू फॉर दिस पेंसिल, रॉ मटेरियल वुड बी वुड एंड दिस lead. And if I'll have to make this chair, raw material would be plastic, right. If I'll have to make a fridge or refrigerator, raw material would be iron ore or iron, right, along with plastic and few more things also. See, copper would be required in that also, then mica also. So raw material kya hota hai? Jo hame chahiye hota hai product ko manufacture karne ke liye industry. ठीक है, रॉ मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम होता है नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन एन इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल, कॉटन इज रॉ मटेरियल फॉर कॉटन इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड, अब जहाँ रॉ मटेरियल होता है ना, इंडस्ट्रीज वहीं है लोकेटेड होती हैं, ताकि उन्हें रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल हो जाए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पर उन्हें एक्सपेंस ना करना पड़े ज़्यादा. अगर आपने देखा होगा यूपी में शुगर केन के जहाँ पे फील्ड हैं, वहीं पास में ही शुगर फैक्ट्रीज भी है, ताकि वो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए उन्हें. इससे उनका टाइम भी सेव होता है और मनी भी सेव होता है, ठीक है, दोनों चीजें सेव होते हैं. देन कम्स मशीनरी. मशीनरी क्या होती है? अब ये सारे काम प्रोसेसिंग के हाथ से तो किए नहीं जाते, अगर मैन करेगा तो टाइम भी बहुत लगेगा, ठीक है, और उतनी फिनिशिंग भी नहीं आएगी. तो हमें क्या चाहिए होता है? मशीन्स चाहिए होती है काम को जल्दी भी करने के लिए. अगर मैन ही लगेंगे, चाहे कितने भी लग जाएं, फिर भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, सबकी स्पीड, एक्यूरेसी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सेम नहीं होती. तो मशीन्स की हेल्प से हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स, ठीक है, किसकी हेल्प से? पर मशीन अपने आप नहीं चलती, दे आर नॉट सेल्फ डायरेक्टेड, वी हैव टू डायरेक्ट देम, वी हैव टू कमांड देम. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए थे? पीपल चाहिए होते हैं. जैसे आयरन ओर को चेयर में कन्वर्ट किया जाए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मशीनरी, ठीक है. सेम वे प्लास्टिक की चेयर को भी बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ मशीनरी. लेबर, लेबर मीन स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड. किसी भी इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर, जिसमें जिसमें वो स्किल्स हैं कुछ भी बनाने की,
जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है थोड़ी बहुत उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए और गुड्स को, प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए, वो हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए होता है। ये नहीं कि किसी को भी पकड़ के हम कहेंगे चलो तुम ये मशीन चला दो, चला देगा। नो, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए उसके लिए। कुछ बनाने के लिए भी हमें स्किल चाहिए, क्राफ्टमैनशिप चाहिए होती है। पावर इज नीडेड टू मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए पावर चाहिए होता है। अब ये कोल, वाटर और विंड मिल्स लगा के किसी भी सोर्स से हम पावर को जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मनी और कैपिटल। मनी नहीं होगा तो हम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, ना रॉ मटेरियल की पेमेंट कर पाएंगे, ना मशीनरी की, ना लेबर की। फ्री में तो कोई काम करता नहीं है ना, वी हैव टू पे देम सैलरी। तो हमें इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए मनी भी चाहिए होता है, क्योंकि हमें सैलरीज पे करनी होती है, एम्प्लॉयज को रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, मशीन्स परचेज करने होते हैं, देन ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्यों? रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज तक कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो फिनिश गुड है फैक्ट्रीज में जो बना है, वो मार्केट्स तक कैसे जाएगा या कंज्यूमर तक? अगेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओनली। रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री यही लाते हैं, और फाइनल गुड और फिनिश गुड टू मार्केट भी ट्रांसपोर्टेशन ही। रीड दिस चैप्टर टिल हेयर ओनली ट्रांसपोर्टेशन, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। थैंक यू सो मच।